गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर संस्कृत टीचर आरती मिश्रा फ्रॉम आरआरबी ई लर्निंग क्लासेस। आज मैं क्लास 8 के बच्चों को संस्कृत में चतुर्था पाठा पढ़ाऊंगी, सदैव पुरतो निदेही चरणम। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। श्रीधर भास्कर मणेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। आइए बच्चों, इस लेसन की आपको रीडिंग लगवा लेते हैं। पहले पे चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम शिवकवम शिवकियम भवति साधनम, बलम शिवकियम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। जिहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेही रास्ते तथा अनुरिक्तम, कुर कुर सततम धैर्य स्मरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। देखिए बच्चों, जो आपके ये श्लोक है इसमें बता रहे हैं चल चल पुरतो निदेही चरणम। चल चल मतलब चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा आगे, चरणम मतलब पैर कदम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। गिरी मतलब पर्वत, शिखर मतलब पर्वत की चोटी, निज माने अपना, निकेतन मतलब घर या आवास। इसमें कह रहा है कि हमारा घर जो है, हमारा कहाँ पे घर जो है, पर्वत की चोटी पर हमारा घर है। गिरी मतलब पर्वत, हमारा घर जो है, हमारा निवास पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगारोहणम, बिना यान के मुझे पर्वता रोहण करना है, बिना यान के ही मैं पर्वता रोहण करता हूँ। बलम शिवकम शिव कियम भवति साधनम, बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि मतलब रास्ता, पाषाण मतलब पत्थर, विषम मतलब आपके दुष्कर कठिन कठिनाई भरे रास्ते। पथि माने जो हमारे रास्ते हैं, मार्ग में जो हमारे टेढ़े मेढ़े नुकीले हमारे मार्ग में पत्थर हैं। हिंसा पशु परितो घोरा, जो हिंसक पशु है, पशुआ मतलब पशु, परितो मतलब चारों ओर से, घोरा हिंसक पशुओं ने यद्यपि हमको चारों ओर से घेरा हुआ है। सदुष दुष्करम खलो यद्यपि गमनम, उस दुष्कर रास्ते में, उस कठिनाई भरे रास्ते पर हमको गमन करना कठिन है। हमको गमन करना मतलब चलना उस पर बहुत दुष्कर है, बहुत कठिनाई भरा रास्ता है। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। जहि भीति भज भज शक्तिम, विदेही रास्ते तथा अनुरक्तिम, कुर कुर सततम धैर्य स्मरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। इसमें बता रहे हैं कि जहि भीति मतलब डर, भज भज मतलब याद करो, स्मरण करो, क्या याद करो, भय को त्याग दो। ठीक है, भय को, भीति मतलब भय, जिहि मतलब त्याग दो, भय को त्याग दो, भज भज शक्ति और शक्ति को भजो। विदेही रास्ते तथा अनुरक्तम, और रास्ते मतलब अपने देश से, अपने देश से अनुराग करो, अपने देश से प्यार करो, स्नेह करो। कुर कुर सततम धैर्य स्मरणम, इसमें बताया जा रहा है कि अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो। ध्येय मतलब अपना लक्ष्य जो है, स्मरण मतलब याद करो, अपने लक्ष्य को हमेशा याद करो। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो इस प्रकार बच्चों, जो आपको ये संस्कृत में जो ये कविता थी वो मैंने आपको समझाई है। पहले मैंने आपको उच्चारण करके बताया है, फिर आपका मैंने स्पष्टीकरण किया है,
तो इस प्रकार आपको, मैं समझती हूँ आपको ये आपको पाठ समझ में आ गया होगा और इसको आप अपने अच्छे से और अधिक बुक से पढ़ेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।